नमस्कार, आप देख रहे वीके न्यूज, मैं हूं सुनील राव। भारत क्या है ये अमेरिका को वो वक्त वक्त पर बताते रहता है और भारत ने एक बार फिर अमेरिका को उसकी जगह बता दी। दरअसल कुछ दिन पहले ही अमेरिका की एक संस्था है USCIRF, मतलब ये यूनाइटेड स्टेट्स की धार्मिक स्वतंत्रता पर रिपोर्ट देने वाली एक संस्था है, जिसने 2023 की रिपोर्ट में ये कहा था कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता जो है, आज़ादी है, उसकी स्थिति बहुत ख़राब है, क्योंकि भारत सरकार ने ऐसी नीतियां लागू कर रखी है जिसकी वजह से धार्मिक भेदभाव बढ़ रहा है और इसके लिए भारत को एक ऐसी सूची में रखना चाहिए जो कंसर्न जताने वाली सूची है। तो US जो है वो भारत के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा चलाते रहता है। हालांकि अभी 2-3 दिन पहले ही वहाँ पर एक हिंदू मंदिर पर हमला हुआ, खालिस्तानियों ने हमला किया, उस पर अमेरिका ने चुप्पी साध रखी है, उस पर वो कुछ बोलेगा नहीं। तो भारत जो है अब वो देश नहीं रहा है कि अमेरिका जो बोलेगा वो करेगा। अमेरिका को कैसे जवाब देना है ये भारत को पता है और भारत ने वही किया है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में कल ईरान के पक्ष में भारत ने वोट करके अमेरिका को ये बता दिया है कि भारत वो करेगा जो उसे करना है, वो किसी के दबाव में आकर या किसी के हितों को ध्यान में रखकर फैसले नहीं लेगा। भारत को जो करना है और जिसके पक्ष में करना है, भारत का जिसमें हित होगा वही भारत करेगा। और कल ईरान के पक्ष में अमेरिका के खिलाफ वोट करके भारत ने ये बता दिया। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में ईरान के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया था। ये प्रस्ताव वहाँ पर जो मानवाधिकार के उल्लंघन है उसके खिलाफ लाया गया था कि वहाँ पर मानवाधिकार के उल्लंघन हो रहे हैं और इसलिए ईरान पर एक एक्शन होना चाहिए, उसको लेकर ये प्रस्ताव लाया गया था। लेकिन भारत ने इस मामले में अमेरिका का साथ देने के बजाय ईरान का साथ दिया और ईरान के पक्ष में वोट किया। साथ ही साथ इस मामले में रूस ने भी ईरान का साथ दिया और चीन ने भी ईरान का साथ दिया। जाहिर तौर पर है कि रूस और चीन जो है दोनों अमेरिका के खिलाफ है, दोनों अमेरिका के दुश्मन देश है, उनसे संबंध बिगड़े हुए हैं, लेकिन भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं अमेरिका से, ये अमेरिका दावा करता है। लेकिन इस प्रस्ताव पर अमेरिका के खिलाफ जाकर वोट करके भारत ने ये बता दिया है कि अमेरिका सिर्फ भारत को इस्तेमाल करेगा ये हो नहीं सकता। भारत भी अमेरिका को इस्तेमाल करना जानता है और भारत दबाव में आने वाला नहीं है। और इस मामले पर ईरान पर लगातार अमेरिका भड़का हुआ था और भारत ने इन बातों का ध्यान नहीं दिया कि अमेरिका के इसमें हित क्या है, उसने अपने हित की बात देखी और भारत किसी के प्रभाव में नहीं आया और उसने ईरान के पक्ष में मतदान किया। उसमें उसकी अपनी, भारत की अपनी कूटनीतिक कुछ प्रतिबद्धताएं हैं, उसके लिए उसने अमेरिका के खिलाफ जाकर ये वोट किया। तो ये जो प्रस्ताव आया था, हालांकि इस प्रस्ताव में ज़्यादा देश, कई देश जो है वो अनुपस्थित रहे, लेकिन भारत ने अनुपस्थित रहने के बजाय विरोध में वोट करके अमेरिका को ये बता दिया कि आपकी चालाकी आप चलने वाली नहीं है। चाहे गुरुपत सिंह पन्नू के मामले में जो आप चालाकी करते हैं, या फिर जो एक रिलीजियस फ्रीडम के मामले में एक रिपोर्ट देकर आप भारत को दुनिया में बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो इन चालाकी से आपको बाज आ जाना चाहिए, ये एक तरह से भारत ने बताने की कोशिश की है। आपको बता दें कि इस प्रस्ताव पर 78 देश जो थे उनने समर्थन किया इसका, लेकिन 30 देश ऐसे थे, भारत, रूस, चीन समेत, जिन्होंने इसके खिलाफ मतदान किया। वही भारत ने यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र में एक और अहम प्रस्ताव से खुद को दूर रखा। तो ये दो प्रस्तावों पर अपना स्टैंड दिखाकर भारत ने अमेरिका को एक जगह दिखाने की उसकी कोशिश की है कि भारत जो है आपके हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से काम करेगा और अपने हिसाब से चलेगा। दरअसल आपको बता दें कि UN में ईरान पर लाए गए प्रस्ताव में ईरान में मानवाधिकार के कई उल्लंघनों पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई थी। प्रस्ताव में धर्म और आस्था की स्वतंत्रता न होना शामिल है। खासतौर से बहाई संप्रदाय के लोगों को अपनी आस्था के मुताबिक दफनाने पर अनुचित प्रतिबंध, उनके धार्मिक स्थानों के खिलाफ हमले इसमें शामिल है। धमकी, उत्पीड़न, मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और हिरासत में वृद्धि, ये सब भी इस जो प्रस्ताव में शामिल थे। साथ ही प्रस्ताव में कहा गया था कि ईरान में आधिकारिक और अनौपचारिक मीडिया के जरिए नफरत को उकसाया जा सकता है जो हिंसा को जन्म दे
सकता है। तो ये इस प्रस्ताव में चिंता जाहिर की गई थी। लेकिन अमेरिका अपने यहाँ क्या हो रहा है, उनके यहाँ हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, उस पर क्यों चिंता जाहिर नहीं कर रहा है, ये उसका डबल स्टैंडर्ड है। और अमेरिका का तो पूरा इतिहास रहा है, अमेरिका का इतिहास अगर हम देखेंगे तो उसके लिए मानवाधिकार जो है वो उसके हिसाब से तय होते हैं। अगर वो सीरिया में जाकर बम गिराता है तो वो मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं होता है। अगर वो रूस और यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन को मदद करता है तो वो उसके लिए मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं होता है। तो ये अमेरिका के लिए जो मानवाधिकार है वो उसकी अपनी किताब है, उसको वो अपने हिसाब से तय करता है। लेकिन भारत ने बता दिया कि ये अब चलने वाला नहीं है। मानवाधिकार का एक पैमाना होगा और उस पैमाने पर सबको चलना होगा, आपको भी चलना होगा। और अब जो है ये इस तरह का जो भारत का स्टैंड है, इस पर जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जो जानकार है वो भी ये मानते हैं कि चाहे रूस हो, यूक्रेन हो, ईरान हो या इजराइल हो, भारत अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति जो है वो अपनाना चाहता है। और कई रणनीतिक मुद्दों पर भारत की स्वतंत्र विदेश नीति जो है अब दिखने लगी है। लेकिन जो रणनीतिक मामले नहीं होते उनमें भारत सरकार लचकदार रवैया दिखाती है, जिसमें कभी कभी दोस्त देशों को खुश करने की भी कोशिश की जाती है। तो भारत की रणनीति है, उस रणनीति के हिसाब से वो कदम उठाता है। विदेश नीति के मामलों के जानकार जो है वो ये कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म है और अमेरिका का ईरान के खिलाफ प्रस्ताव एक राजनीतिक प्रस्ताव था। ऐसे में भारत का रुख उसकी स्वतंत्र विदेश नीति के हिसाब से तय हुआ है और तय किया गया है। तो ये अमेरिका को के खिलाफ और ईरान के पक्ष में भारत ने वोट करके एक तीर से कई निशाने साधे हैं और अमेरिका को दो टूक बता दिया है कि आप भारत को अब कमज़ोर समझने की कोशिश ना करें, भारत अपने फैसले लेना जानता है। और अमेरिका को ये भी बताने की कोशिश की कि आपकी ये जो चालबाजियाँ है ये भी चलने वाली नहीं है भारत के सामने। तो इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।